नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आइए आज हम चाइना के इतिहास के ऊपर बातचीत करते हैं, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं ISPCS वगैरह के, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री एज ए पेपर रखा जाता है, जिसमें चाइना, जापान वगैरह सब सम्मिलित हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे चीन में ताइपिंग विद्रोह पर। इसके पहले मैंने 1911 के चीनी क्रांति के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, उसके अलावा अफीम युद्धों के ऊपर भी वीडियो डाल रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। आगे चीन के ऊपर कुछ और भी महत्वपूर्ण वीडियो जल्दी ही आएंगी। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं चीन में ताइपिंग विद्रोह। तो मित्रों, विद्रोह चीन की एक पुरानी संस्था है जो कन्फ्यूशियस दर्शन द्वारा स्वीकृत है, और स्वर्ग के आदेश, जिसे कहते हैं मैंडेट ऑफ द हेवन, के सिद्धांत में आवश्यक है। तो विद्रोह कोई नई बात नहीं थी चीन में, पहले भी विद्रोह होते रहते थे। जब एक राजवंश किसी कारण से शासन करने की अपनी क्षमता खो देता है तो स्पष्ट था कि हेवन से जनादेश वापस ले लिया गया था, ऐसा मतलब चीन का मानना था। जो कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी थी तो उसमें यह कहा जाता था कि विद्रोह करना जो है वो हेवनली मैंडेट है एक, और कई बार क्या होता है कि वो मैंडेट वापस हो जाता है। और तो वो मैंडेट इसलिए वापस हो जाता है क्योंकि कोई राजवंश जो है वो अपने शासन करने की क्षमता को खो देता है। तो विद्रोह करने का विषय का कर्तव्य जो था वो स्पष्ट था। विद्रोह क्यों होते थे? विद्रोह इसलिए होते थे कि शासक जो है वो शासन करने की योग्यता खो देता था, अर्थात अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पाता था, प्रजाओं में असंतोष रहता था। और ये वो समय था जब 19वीं शताब्दी का समय, जब चीन में घोर असंतोष व्याप्त था। इस प्राचीन सिद्धांत को 19वीं शताब्दी के चीन में व्यापक रूप से लागू किया जाना था। प्रथम ब्रिटिश युद्ध से पहले के दो दशकों में क्वांगसी, शांसी, कोइचो या वाउचाऊ भी कहते हैं हिंदी में कुछ लोग इसे, कियांगसी, हैनान या हुन्नान, हुपे और फार्मोसा इत्यादि में खतरनाक आवृत्ति के साथ विद्रोह हुए थे। सदी के मध्य तक प्रमुखतः चार विद्रोह जो थे वो हुए थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए चीन में। एक तो यूनान में मुस्लिम विद्रोह हुआ जो 1885 से 1873 तक चला। उत्तर पश्चिम में 1862 से 1873 नियन विद्रोह हुआ जो 1851 से 1864। तो इसी तरह से इन उथल पुथल में राजवंश के लिए सबसे गंभीर खतरा जो था वो ताइपिंग का विद्रोह था, जो कि 1851 से 1864 ईस्वी तक लगभग चला। मध्ययुग में चीन विद्रोहों के कुचक्र में बुरी तरह से फंस गया, क्योंकि शासक जो थे मंचू शासक जो है बहुत ही अलोकप्रिय हो गए थे, और विदेशी शक्तियां चीन में काबिज होती जा रही थी। अफीम युद्ध में ब्रिटेन ने चीन को हरा दिया था, और दो अफीम युद्धों में, और बहुत सारी अपमानजनक संधियां चीन को करनी पड़ी थी, इन सब से भी लोगों में रोष था। तो सर्वप्रथम यह बात ध्यान देने योग्य है कि मंचू लोग चीन के लिए विदेशी थे और चीनी सभ्यता संस्कृति को अपना करके यह उसके पोषक बने थे, किंतु साथ ही साथ उन्होंने चीनी जनता का बहुत बुरी तरह से शोषण किया था, उनको सताया था, उनको पीड़ित किया था, उनका उत्पीड़न किया था। तो चीन के किसानों पर इनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि पैसे रुपए की जरूरत रहती थी, पैसे की जरूरत होती थी जब, तो किसानों के ऊपर कर इत्यादि बढ़ा दिए जाते थे, तो इससे किसान असंतुष्ट थे। अपने आदमियों को जमीन देने के लिए उन्होंने चीनी किसानों को जबरदस्ती बेदखल करना शुरू किया, साथ ही शहरी जायदाद भी इस तरह से जब्त कर मंचू लोगों में बांट दी गई।
तो किसानों पर करों का भारी बोझ तो था ही, साथ ही उनसे कई तरह के भेंट, उपहार, नजराने आदि भी वसूल किए जाते थे, जिसे आप कह सकते हैं कि जबरन वसूली की जाती थी। जो अधिकारी थे वो सब भ्रष्ट थे और किसानों से जो उचित कर था उसके अलावा बहुत सारा अलग से धन वसूल लेते थे। तो छोटे बड़े सभी अधिकारियों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी व्याप्त थी। तो इस प्रकार किसानों का कष्ट एवं असंतोष विद्रोह के रूप में व्यक्त होता था। प्रथम अफीम युद्ध ने चीन की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था और विदेशी ताकतें चीन के साम्राज्यवादी शोषण की तैयारी में लगी हुई थी। चीनी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। विदेशी आपूर्ति के कारण देशी उद्योग धंधे प्रायः नष्ट हुए जा रहे थे और देश जो था वो विदेशी सामानों से पट रहा था, देश की चांदी बाहर जा रही थी। प्रथम अफीम युद्ध में पराजय के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की जो रकम चीन ने देना स्वीकार कर लिया था, उसका अतिरिक्त भार भी किसानों के ऊपर ही पड़ना था, क्योंकि किसानों के ऊपर ही कर लगा करके उनसे पैसे वसूल करके ये क्षतिपूर्ति चुकानी थी। तो चीन की गरीब जनता के हृदय पर बहुत बड़ा आघात था यह, और उनके हृदय में यह भावना घर कर गई कि मंचो शासन के अंत के साथ ही उनकी कठिनाइयों का भी अंत हो सकता है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, अतः उनके विरुद्ध विद्रोह करना ही होगा। चीन के लोग अपने को संसार में सर्वश्रेष्ठ जाति का मानते थे और अपनी सभ्यता के समक्ष वे दूसरों की सभ्यता को हीन मानते थे, किंतु मंचू शासकों के कमजोरी से लाभ उठाकर विदेशियों ने चीन में कई अनुचित सुविधाएं प्राप्त कर ली थी और चीनियों के राष्ट्रीय गौरव तथा स्वाभिमान पर तुषारपात कर दिया था। चीन के सभी वर्ग के लोग इस बात का अनुभव कर रहे थे कि अगर समय पर चीन में यूरोपियों का प्रवेश न रोका गया तो चीन पश्चिमी साम्राज्यवाद के चंगुल में फंस जाएगा, अतएव देश के गौरव की रक्षा के लिए मंचू शासन का अंत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। यहाँ एक बात आपके लिए जान लेना आवश्यक है, अफीम युद्ध जो पहला और दूसरा अफीम युद्ध हुआ, उसके बाद तो न जाने कितनी विदेशी शक्तियाँ चीन में घुस आईं और उन्होंने अपने लिए अलग अलग तरह की सुविधाओं की मांग की और कमजोर चीनी सम्राट को उनकी मांगों को मानना पड़ रहा था। तो इसलिए विदेशियों को हटाना विदेशियों के विरुद्ध एक रोष की भावना चीन की जनता में व्याप्त थी, बस उनको तलाश थी तो नेतृत्व की। आर्थिक दूरदर्शन एवं राष्ट्रीय अपमान से बचने के लिए चीनी समाज सक्रिय था। मंचू शासन के विरुद्ध विद्रोह का वातावरण तैयार करने में गुप्त समितियों ने भूमिका निभाई। अन्य अनेक संगठनों को भी चीनी जनता को विद्रोह करके अपने राष्ट्रीय गौरव की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। भूमिहीन कृषकों एवं मजदूरों ने इसमें विशेष योगदान किया और 1849 में क्वांगतुंग प्रांत में भयानक अकाल पड़ा जो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस दुर्भिक्ष में हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। मंचू सरकार फिर भी निष्क्रिय थी, उन्होंने राहत के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। जनता को उनके भाग्य पर एक तरह से छोड़ दिया गया था, बहुत कम राहत वगैरह का काम किया गया, तो इससे बहुत सारे लोग जो थे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। तो शासन की इस अकर्मण्यता ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया और विद्रोह अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आर्थिक जो कठिनाइयां थी और राष्ट्रीय अपमान था, उससे बहुत दिक्कतें हो रही थी चीन की जनता को। उसमें अकाल जो था वो और आग में घी का काम कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जनता के सब्र का बांध टूटना ही था और विद्रोह होना ही था देर सवेर। तो उपर्युक्त परिस्थितियों में ही होंग सियू चुआन का प्रादुर्भाव हुआ। होंग सियू चुआन जो था वो ये ताइपिंग विद्रोह का नेता था। होंग का जन्म 1814 में एक किसान परिवार में हुआ था जो कैंटन से 30 मील उत्तर एक गांव में था। होंग ने स्थानीय परीक्षाएं पास कर ली थी, किंतु प्रांतीय परीक्षाओं में वह निरंतर असफल हो रहा था। 1837 में बीमारी में उसे कुछ सपने आए जिसे
उसने दिव्य दर्शन समझा। तो इस विलक्षण आभास का पूरा अर्थ उसने बाद में कैंटन के एक चीनी धर्म प्रचारक के द्वारा दी गई पुस्तिका युग के उद्बोधन के लिए शुभ शब्द पढ़ने के बाद समझा। तो अपने आभासों के इस अध्ययन के उपरांत हुई व्याख्या ने उसे नए धर्म पर या नए धर्म का प्रवर्तन करने की प्रेरणा दी। पर के बजाय कहा पढ़ लें तो कैंटन के एक पादरी ईसाकाट रॉबर्ट्स के संपर्क में आकर हुंग ने अपने धर्म में ईसाई धर्म के तत्वों को प्रमुखता दी। अपने प्रांत में कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कर हुंग कुछ साथियों सहित क्वांगसी जा पहुंचा, जहां वह अध्ययन और धर्म प्रचार करता रहा, ईश्वरीय आभास पाता रहा। उसके अनुयायियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। उसने अपने आप को ईसा मसीह का छोटा भाई घोषित कर दिया एवं कहा कि वह ईश्वरीय सम्राट तथा मंचू का विनाश कर ताइपिंग अर्थात पूर्ण शांति की स्थापना करेगा। ताइपिंग का मतलब पूर्ण शांति। हुंग ताइपिंग विद्रोह का नेता था। उसके अनुयायियों की संख्या 1850 ईस्वी में 30,000 से भी ऊपर हो गई। इस आंदोलन को कुचलने का मंचुओं द्वारा कई बार प्रयास किया गया। हुंग ने अपनी ओर से सैनिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी। 25 सितंबर 1851 को इन्होंने ताइपिंग तियन कुओ अर्थात महान शांति का दैवी साम्राज्य की घोषणा कर दी। 1852 में चांगशा पर उनका अधिकार हो गया। नानकिंग पहुंचकर हुंग ने उसका नाम थियनचिंग रख दिया और वहीं अपनी राजधानी बनाई। शाही सेना की कमजोरी के बावजूद विद्रोहियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और यांगसी घाटी के उत्तर में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, जिसके कारण उनके विद्रोह का एक तरह से काम तमाम हो गया। 1864 तक नानकिंग पर विद्रोहियों का शासन रहा। यह आंदोलन वस्तुतः अपनी ही कुछ कमजोरियों के कारण समाप्त हो गया। वास्तव में इस विद्रोह में जो योग्य व्यक्ति थे वह पहले ही मार डाले गए थे। दूसरे हुंग कुछ अयोग्य नेताओं की सलाह पर चलता रहा, जिसका बुरा असर पड़ा। मंचू सरकार जो कि स्वयं इस विद्रोह को दबाने में असफल रही थी, विद्रोहियों विदेशियों की मदद से इस विद्रोह को दबाने में सफल हुई। क्योंकि देखिए विदेशी जो थे वो जानते थे अच्छी तरह से कि मंचू शासन कायम रहने पर ही जो विदेशी हित है वो सध सकते थे, अतः उन्होंने भी मंचुओं का भरपूर सहयोग किया। ताइपिंग विद्रोह के परिणाम स्वरूप मंचू निरंकुशता एवं पश्चिम के साम्राज्यवाद के मध्य एक पवित्र गठबंधन स्थापित हो गया, जो लगभग 1949 ईस्वी तक कायम रहा। चीन में विदेशी प्रभाव की निरंतर वृद्धि हो रही थी और मंचू शासक तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद परस्पर मित्र बन गए। विदेशियों ने भी अपने हितों की रक्षा के लिए मंचू शासन का पूरा समर्थन किया। हालांकि विद्रोह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने कई वर्षों तक देश पर अपनी छाप छोड़ी। तबाही और विनाश ने इसकी प्रगति को चिन्हित किया था। साम्राज्य के कई सबसे अमीर प्रांत बर्बाद हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप देश के कई सबसे बड़े राजस्व उत्पादक क्षेत्रों से कुछ वर्षों के लिए राजस्व आंशिक रूप से बंद हो गया और विद्रोही नियंत्रण की वास्तविक अवधि की तुलना में बहुत लंबे समय तक तबाह क्षेत्रों से सामान्य राजस्व का संग्रह रोका गया। इसने बहुत से लोगों को गरीबी की स्थिति में डाल दिया, यानी विद्रोह के समय पहले से ही एक तो परेशान थे मंचू शासन से, उनके शोषण से परेशान थे। विद्रोह के समय में और भी उनको गरीबी का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि सामान्यतः चीन में होता है लूटपाट में वृद्धि हुई, डकैती होने लगी बहुत ज़्यादा। पेट भरने के लिए लोगों को कुछ न कुछ करना ही था। प्रशासन की व्यवस्थित प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना मुश्किल हो गया और सबसे बढ़कर इसने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के अपने प्राथमिक कर्तव्य को पूरा करने में शाही सरकार की या मंचू सरकार की असमर्थता को प्रकट कर दिया, उजागर किया। असफल होने पर भी ऐसा विद्रोह आमतौर पर एक राजवंश के अंत का संकेत दे देता है, उसका अग्रदूत होता है। और यह कहना तथ्यों से बहुत दूर नहीं है कि 1911 में मंचुओं के खिलाफ सफल विद्रोह पिछली शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था। भविष्य के महत्व के विद्रोह के दो उपोत्पादों पर ध्यान दिया जाना बाकी है। जैसे ही शाही प्रशासन अव्यवस्थित या प्रभावी हो गया,
सीमा शुल्क के संग्रह के लिए शंघाई में कोई अधिकारी नहीं रह गया था। इसको आप ये कह सकते हैं कि भविष्य में इस विद्रोह के दो बाई प्रोडक्ट्स हुए। उपोत्पाद मतलब जो बाई प्रोडक्ट्स अंग्रेजी में जिन्हें कहते हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स क्या थे? पहला तो यही था कि जैसे ही शाही प्रशासन अव्यवस्थित या प्रभावी हो गया, सीमा शुल्क के संग्रह के लिए शंघाई में कोई प्राधिकारी नहीं रह गया। एक विदेशी सेवा अस्थायी उद्देश्यों के लिए आयोजित की गई थी और बाद में इसे चीनी सरकार ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में से एक के रूप में ले लिया। विद्रोह का दूसरा जो बाई प्रोडक्ट था वो राजस्व उत्पादन के अस्थायी साधन के रूप में लेकिन टैक्स की शुरुआत थी। यह एक आंतरिक पारगमन कर है जो एक प्रांत के साथ साथ प्रांतीय सीमाओं के भीतर विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। तो अत्यधिक लचीला और अच्छा राजस्व उत्पादक होने के कारण इसे 1931 में समाप्त होने तक जारी रखा गया था। ताइपिंग विद्रोह के दमन से देश में शांति और समृद्धि बहाल नहीं हो पाई। कई छोटे विद्रोहों और बड़े पैमानों पर लूटपाट के अलावा जिसका सामना करने में अधिकारी असमर्थ प्रतीत होते हैं, दो अन्य बड़े विद्रोह हुए, एक यूनान प्रांत में और दूसरा उत्तर पश्चिम में। ये दोनों चीनी अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार पर मोहम्मदनों के असंतोष की अभिव्यक्तियाँ थीं। ताइपिंग विद्रोह ने आंतरिक रूप से अपनी शक्ति को बनाए रखने और देश को बाहरी हमलों से बचाने की मंचू शासकों की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। तो ताइपिंग विद्रोह से पूर्व प्रथम अफीम युद्ध में चीन को पराजित कर विदेशियों ने यह समझ लिया था कि चीन एक मुर्दा देश है, किंतु इस विद्रोह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अवसर आने पर चीन के लोग विदेशियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। वस्तुतः ताइपिंग का विद्रोह चीनियों के प्रबल देश प्रेम का ज्वलंत उदाहरण था। यह विद्रोह यद्यपि असफल रहा, तथापि चीन के जीवन में एक स्थायी तत्व बनकर आया और लगभग 100 वर्ष बाद यह चीन के कम्युनिस्टों का प्रेरणा स्रोत बना। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो, अच्छा ना लगा हो तो अपने कमेंट अवश्य दें। जल्दी ही चीन के इतिहास पे 2-3 वीडियो और बनानी है, अभी बहुत जल्दी जल्दी बॉक्सर विद्रोह पे बनाना है, चाइना जापान युद्धों के ऊपर बनाना है, टोकुगावा शोगुनेट के पतन पे जापान में बनाना है, रूस जापान के युद्ध पे बनाना है। तो ये वीडियो धीरे धीरे अब आएंगी, क्योंकि इस समय अब मैंने हिस्ट्री ऑफ फार ईस्ट पर कुछ वीडियोस बनाने का निर्णय किया है। तो चलिए, शुभ रात्रि और शुभ नवरात्रि, आपका दिन अच्छा बीते, आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं।